went from downtown to here. Oh, the prices and price everything. Also, price is less here. Yes. Price yes, is very less. पहुंच चुके हैं हैदर मस्जिद, ये मस्जिद जो यहाँ की फेमस मस्जिद है। तो इन्होंने मेरे चैनल का नाम मांगा, इस माय चैनल पाकिस्तान अज़रबैजान गारदाश। गारदाश वजू की जगह है नमाज अदा करने के लिए। नमाज इंसान को सुकून और सेहत देती है। परमिशन नहीं होती, टाइम ओवर हो गया, लेकिन को मैंने बोला है कि मैंने जाना ऊपर, तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम यू गो। ऊपर वाला फ्लोर है। तो जानी हमारी बोल्ट आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं इस टाइम हैदर मॉक्स में। यहाँ की जो मस्जिद है खूबसूरत है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मेट्रो हमने सफ़र कर लिया, काफ़ी अच्छा था। अब हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे हैं हैदर मॉक्स के लिए। यहाँ की फेमस है, जब भी आप आएँ हैदर मॉक्स भी लाजिम चक्कर लगाएँ। जानी ये है यहाँ की मोहब्बत, पाकिस्तान एंड अज़रबैजान, हाँ दोनों फ्लैग एक साथ। ऑसम। How are you, brother? What's your good name? Pakistan, Azerbaijan, Gardash. Gardash, Gardash. What's your name? My name is Busal. My name is Nadim. Nice to meet you. MashaAllah, we are Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakistan and Azerbaijan and Turkey all are Gardash. Brother, Gardash यहाँ पे कहते हैं brother को। जैसे हमारे पाकिस्तान में brother भाई को बोलते हैं, ऐसे Gardash मतलब brother। तो यहाँ की language है। Thank you so much, brother. Thank you. तो इन्होंने मेरे चैनल का नाम मांगा, ये हमारे चैनल का नाम है। दिस इज़ माई चैनल एम आर नदीम मलिक। सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन बेल आइकॉन। ओके ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गारदाश। तो हमारे बिल्कुल सामने जो नज़र आ रही है ये है हैदर अली की मॉस्क, जो यहाँ की मस्जिद है। हैदर अली मस्जिद जो है वो ये है, सामने बिल्कुल नजर आ रही है। भी हम लोग पहुंच चुके हैं और भाई ने हमें छोड़ दिया। थैंक यू सो मच ब्रदर, नाइस टू मीट यू, सीरियसली थैंक यू सो मच, लव यू अज़रबैजान, लव यू, थैंक यू, बाय बाय पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। यानी हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ये यहाँ की मशहूर मॉस्क है। ओके ब्रदर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यानी हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं अज़रबैजान की जो फेमस यहाँ की मस्जिद है ना, हैदर मस्जिद कहते हैं इसे। आप हैदर मस्जिद कह सकते हैं इसको, हैदर नाम है इसका, हैदर मस्जिद, ठीक है। जो भी विज़िटर आता है यहाँ ज़रूर आता है। ये सामने पूरी इसकी मस्जिद है, तो आप यहाँ पे लाजिम है, जब भी आप अज़रबैजान आएँ तो आप यहाँ पर लाजिम है। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही मतलब एक जो होता है ना कदीमी ज़माने की मस्जिद होती है वैसी बनी हुई है। सीरियसली मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद के सिनेमैटिक सीन्स। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हैदर मस्जिद, ये मस्जिद जो यहाँ की है फेमस मस्जिद है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, वहाँ से निज़ामी स्ट्रीट से लेके यहाँ तक के जो प्राइस रेट हैं बोल्ट के वो हैं 4.95 मनात, लाइक 5 मनात में आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और परफेक्ट मतलब व्यू है यहाँ पर, नमाज़ भी मैं अभी अदा करूँगा माशाल्लाह से। मतलब वेदर खूबसूरत होने के साथ यहाँ का इन्वायरमेंट भी खूबसूरत है। जो जब भी अज़रबैजान है, अज़रबैजान और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है। अज़रबैजान, पाकिस्तान एंड तुर्की, दे ऑल आर लाइक ब्रदर्स। यहाँ पे सब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी जान, यहाँ तक कि मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ। अजान हो गई, मैं यहाँ पर इंशाल्लाह नमाज़ भी अभी अदा करूँगा। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मैंने पिक्चर्स में देखा था, ठीक है ना। अभी मैंने रियल आइज से जब देखा है अपनी आँखों से, तो यकीन करो क्लास है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी मस्जिद है। जिसने भी आना है यहाँ पर लाजिम है। आप अज़रबैजान के अंदर इस मस्जिद में नहीं आए तो आप कहीं नहीं गए, तो यहाँ आना लाजिम है मेरी जान। हमने कुछ लोगों की यहाँ मदद ली थी, तो हमारी ये सिनेमैटिक सीन्स और वीडियोस बन गई। अब भी आएँ आप, आके नमाज भी अदा करके जाएँ, सिर्फ आके देख के ना जाएँ, ऐसे टाइम में आएँ कि आप नमाज अदा कर सकें। तो हम लोग अभी जाके अंदर नमाज अदा करेंगे। तो जानी ये यहाँ का जो है ना वज़ू की जगह है, आप यहाँ आके वज़ू करें। ये पूरा एरिया जो बना हुआ है वज़ू का बना हुआ है। अल
अल्हम्दुलिल्लाह से जानी हमने वजू कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर नमाज अदा करने के लिए। माशाल्लाह से ये जो मस्जिद है, हैदर मस्जिद है अज़रबैजान में, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। जब भी आए नमाज अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू मुस्लिम, हम लोग मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, तो नमाज अदा किया करें वैसे भी, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हो गई है, कुरान पाक पढ़ लिया है। नमाज एक सुकून है इंसान के लिए, तो कोशिश किया करें पांच वक्त नमाज अदा किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिन की जो भी थकान थी, जहाँ भी गए हम लोग, अभी नमाज के बाद सारी थकान ख़त्म हो गई। नमाज इंसान को सुकून और सेहत देती है, ये बात हमेशा याद रखें, नमाज इंसान के लिए सुकून है। तो कोशिश किया करें अपना जितना हो सके नमाज अदा किया करें और कुरान पाक पढ़ा करें। यहाँ पे ये शूज़ वगैरह रखने की जगह बनाई हुई है इन्होंने, बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो आप जब नमाज़ अदा करने के लिए अंदर आते हैं, पहले आप शूज़ बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद फिर आप अंदर आते हैं। अदा हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ चुका है। ये मस्जिद है यहाँ की, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आए यकीन करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिलेगा आपको। एक तो बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से, और दूसरी चीज़ वहाँ पे कुरान पाक का वो बनाया हुआ फ्रेम, और साथ में पूरी मस्जिद बनाई हुई है, जितनी भी है पूरी मस्जिद साथ में बनाई हुई है। इसका एंट्रेंस जो है वहाँ से है, वज़ू जो जगह है वो एबलेशन की यहाँ से है। तो आप जब भी आते हैं मेक श्योर वज़ू नमाज के लिए उस साइड से जाएँ, और वज़ू के लिए इसके लेफ्ट साइड से, और नमाज के लिए राइट साइड पर डोर बना हुआ है वहाँ से जाएँ। बहुत खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है, सामने ये पूरी सिटी बनी हुई और ये फाउंटेन वगैरह बना हुआ है, और ये ऊपर पूरी मस्जिद है। Majik, nice to meet you. My name is Nadim. You love Baku? No. Just for 2 days. Yeah. So I like it. Yeah. Like weather is very beautiful here. Yeah. Weather is awesome. The sky is perfect for pictures. Perfect for pictures. Also, whenever you go, you not feel like stress. You can easily feel free. You can go anywhere. We just went from downtown to here. Okay. And this is like completely different place. Yeah, different. And the prices and price everything. Also, price is less here. Yes. Price yes, is very less because I am more than six days I am here, mm-hmm. and I'm staying in Nizami Street. After 4 days I'm going back in Dubai. I'm You're living staying in Dubai. Nizami Street. Yeah, so it's down there. Yeah, so. Down there. It's main Same area. Same here. Same here. Yeah, but I'm going in back in Dubai. Like after 4 days I'm going back in Dubai. I'm going to Dubai tomorrow. Oh, really? We'll meet you there. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Overall greenery और घरों का खूबसूरत shape आप check करो। अच्छा मज़े की बात, ये जो घरों का shape बना हुआ है ना, बहुत प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे जितने भी घर हैं बहुत खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं, और आपको हर घर की छत यूँ राउंड में यूँ टाइप मिलेगी, क्योंकि उसका मेन रीज़न यहाँ सर्दियों में बर्फबारी स्नो हो जाती है, उसकी वजह से घर का शेप्स कुछ ऐसा होता है। लेकिन जो शेप है आप देख रहे हैं, शेप आला टाइप है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इसलिए कर्फ होता है कि सर्दियों में जब भी अगर आया यहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नो होता है, तो आप उसको ईजिली आउट कर सकें अपने ऊपर टॉप से, वो नीचे आ जाती है। अगर शेप यू में होगा तो बर्फ डायरेक्टली डाउन फ्लोर पे चली जाएगी, और वो छत पे लोड पड़ने की वजह से टूटेगी नहीं छत। ये हर मतलब जहाँ भी कैनेडा या किसी भी कंट्री में स्नो होती है तो वहाँ पर ऐसे ही घर बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीधी छत नहीं रख सकते, सीधी छत में इतना वजन हो जाएगा स्नो का कि वो छत टूट जाएगी, और यहाँ पर इसलिए ये बनाई जाती है। लेकिन इनका जो लुक और फर्स्ट एक्सप्रेशन, वैसे जैसे मैंने देखा ना, इन्हें बहुत खूबसूरत टाइप लगा रहा था। तो जा रहे हैं इसी के एक वहां से साइड ऑफ फ्लोर आप ऊपर जा सकते हैं, हम लोग वहां जाएंगे अभी। जानी यहाँ से ऊपर जाने की एक जगह है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। वैसे टाइम एंड हो गया, लेकिन हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी, यहाँ से ऊपर यूँ घूम के। ये रास्ता इसका ऊपर जाता है सीधा सीढ़ियों से,
यहाँ से। इस टाइम वैसे परमिशन नहीं होती, टाइम ओवर हो गया, लेकिन उनको मैंने बोला है कि मैंने जाना ऊपर, तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम यू गो। जब भी आप बोल देते हैं पाकिस्तानी है तो वो आपकी ज़रूर सुनते हैं। अच्छा ये हम लोग ऊपर वाली साइड आ गए, ये देखें ये ऊपर है ठीक है ना, ये ऊपर वाला फ्लोर है, वो सामने डाउन है ग्राउंड, और ये फर्स्ट फ्लोर ऊपर।